మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి. ओके दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव एडवांस लर्निंग. वैभव एडवांस लर्निंग में आपका स्वागत है. आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे किरचॉफ्स लॉ पर. किरचॉफ्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है. यह हाई स्कूल में भी है, इंटरमीडिएट के भी बच्चों के क्लास में है, बीएससी में भी है, डिप्लोमा में भी है, बीटेक में भी है, आईटीआई में भी है. ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर जगह इसको पढ़ने को मिलता है और कंपटीशन में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलते हैं. पहले हम जो भी लॉ हैं, थ्योरम्स हैं, पहले उनको हम सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद उस पर हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे, ठीक है. अगर आपको कोई सजेशन हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा. हम उस पर पूरा का पूरा 100% उस पर हम जो है अपना आपके सजेशन को फॉलो करेंगे. तो आज हम विचार करने वाले हैं किरचॉफ्स करंट लॉ पर. देखिए क्या होता है किरचॉफ्स लॉ. देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे जो है, दोनों मीडियम में बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन मैं इसको हिंदी में बोल दूँगा, ठीक है. इसलिए बच्चे जो हिंदी में पढ़ना चाहें वो हिंदी में इसको, इस डिफिनेशन को अपने आप पास जो है रख लेंगे. तो देखिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम बोलते हैं KCL, इन शॉर्ट फॉर्म KCL. ये कहता क्या है, देखिए किरचॉफ्स लॉ ही एक ऐसा लॉ है जो लगभग हर जगह यूजेबल है, चाहे वो एसी सर्किट हो, चाहे वो डीसी सर्किट हो, चाहे वो लीनियर सर्किट हो, चाहे वो नॉन लीनियर सर्किट हो, चाहे वो लूप सर्किट हो, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर एलिमेंट के लिए फॉलो नहीं करता ये, ठीक है. चाहे टाइम वेरिएंट हो, चाहे नॉन वेरिएंट हो, हर जगह इसका यूज किया जाता है, ठीक है. इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हम जो है इसका KCL करंट लॉ पे हम डिस्कस करेंगे. पहले हम बताते हैं आपको एक छोटा सी बात. मान लीजिए कि आपके खेत में जो है नाली ऐसी गई और यहाँ से नाली एक इधर बट गई, एक इधर बट गई, ठीक है. तो यहाँ मान लीजिए कि इस नाली में इधर से आपका 1000 लीटर पानी जा रहा, ठीक है. तो इधर मान लीजिए आपका 800 लीटर पानी जा रहा है, इधर मान लीजिए आपका 200 लीटर पानी जा रहा. इसका मतलब मान लीजिए कि इनपुट जो है आपका, ये पानी आई है, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, तो जाहिर सी बात है I बराबर I1 प्लस I2 होगा. होगा कि नहीं होगा, सोच के बताइए. बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि अगर करंट है, ठीक है, और इस तरह से पानी है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो आप इस प्रकार से इजीली लिख सकते हैं, ठीक है. अगर हमें इस पॉइंट पे इसको लिखना हो, इस पॉइंट पे इनकी वैल्यू लिखना हो, तो यहाँ आपका 1000 है, चूँकि ये दोनों दूर जा रहे हैं इसलिए इन दोनों को माइनस में लेंगे, तो क्या आएगा, ये जीरो आएगा कि नहीं आ गया, बताइए. तो इस तरह से आपने वेरीफाई कर दिया, पानी को आप करंट की तरह ले करके आप किरचॉफ्स करंट लॉ बना सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है ना. देखिए क्या है, कैसे है. किरचॉफ्स करंट लॉ कहता क्या है. एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन आर नोड मस्ट बी इक्वल टू जीरो. कहने का मतलब क्या है कि कोई संधि बिंदु हो या कोई नोड पॉइंट हो, उस पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है. बीज गणितीय शब्द कहने का मतलब है एक उचित दिशा के साथ उचित साइन चिन्ह का प्रयोग करते हुए जोड़ना और घटाना, ठीक है. तो यहाँ हम स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, अभी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा क्या है ये. देखिए ये है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, मीटिंग एट ए नोड्स आर जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो.
मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम एग्जांपल आपको बताते हैं। ठीक है, I1, I2, I3, I4। ये मान लीजिए आपका नोड पॉइंट और जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब है कि जो करंट इस जंक्शन की ओर आएंगे उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो करंट इस जंक्शन से दूर जाएगी उसको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एल्जेब्रिक सम। मतलब जो जंक्शन से दूर जा रही है उसको माइनस साइन के साथ, जो जंक्शन के करीब आ रही है उसको पॉजिटिव साइन के साथ ऐड करना, इसी को एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ दोनों जंक्शन के पास आ रही हैं इसलिए दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये दोनों दूर जा रहे हैं इसलिए दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, लेकिन सम होगा इनका। ठीक है, इसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन के साथ सम करना क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, I1 प्लस I2 माइनस I4 माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू जीरो, यू कैन से राइट इजिली। ठीक, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। तो यहाँ आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करेंट। क्या लिख सकते हैं, आउटगोइंग करेंट। इसका मतलब क्या है, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, ये भी आपका किरचॉफ्स करंट लॉ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आप एल्जेब्रिक सम नहीं कहेंगे, यहाँ केवल समेशन योग कहेंगे, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। अगर कहीं इस तरह से कह दिया जाए एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, केवल समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, यहाँ इस पॉइंट को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इसका सर्किट में हम यूज कैसे करते हैं इसको भी हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए, मान लीजिए रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है, यहाँ करंट I फ्लो हो रहा है, ये I1 है, ये I2 है। तो आप डायरेक्ट क्या लिख देते हैं इसके लिए, डायरेक्ट लिख देते हैं I बराबर I1 प्लस I2। लेकिन ये सोचे कभी आया कहाँ से, ये आया किरचॉफ्स करंट लॉ से। कैसे आया, देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, जंक्शन है ये पॉइंट, ये इसको मान लीजिए इस नोड्स पे हमें किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करना। तो यहाँ आप देखिए जो करंट पास में जा रही है वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव लगाएं या ना लगाएं, और जो दूर जा रही है दोनों क्या होंगी, निगेटिव होंगी, इज इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा। तब यहाँ आप I बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्या देखा, I बराबर क्या आ गया, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 आया कहाँ से, किरचॉफ्स करंट लॉ से आया। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपने यहाँ क्या और देखा, और आपने ये देखा कि जितना चार्ज आ रहा, आखिर चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, चार्ज के फ्लो होने को ही हम करंट कहते हैं। इसका मतलब जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ चार्ज का कोई लॉस नहीं हो रहा है, मतलब चार्ज क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। इसीलिए जो किरचॉफ्स करंट लॉ है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, फॉलो करता है, मतलब क्या करता है, या आवेश संरक्षण सिद्धांत को अनुकरण करता है। क्या करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का क्या करता है, अनुकरण करता है। यानी कि कह सकते हैं दिस लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। ये डीसी सर्किट में भी यूजबल है और एसी सर्किट में भी यूजबल है। एसी सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी पे ये काम नहीं करता, इसलिए हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी इसको अप्लाई नहीं करते, लेकिन ये जो है हर जगह यूज में लाया जा सकता है, चाहे वो लीनियर एलिमेंट हो नॉन लीनियर एलिमेंट हो, हर जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं नंबर डाल करके यूजबल फॉर्म। ये किसके लिए काम करता है? आवेग संरक्षण सिद्धांत का संरक्षण करता है। दूसरा ये लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए यूज होता है। फिर एसी डीसी दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो डीसी का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ कोई वोल्टेज है, वोल्टेज के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ किरचॉफ लॉ आप लगा दिए। अब एसी सर्किट में आप इसको कैसे लगाएंगे उसको हम बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एसी सर्किट में चूंकि कितने वैल्यूज आप निकालते हैं, बहुत सारे वैल्यूज निकालते हैं जो जनरली हम यूज में लाते हैं, क्या आरएमएस वैल्यू, क्या कहलाते हैं आरएमएस वैल्यू। एसी सर्किट जब हम पढ़ाएंगे तो इनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फिर क्या यूज करते हैं हम, फेजर वैल्यू। फिर क्या यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसको आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं, इसको हम सदिश वैल्यू कहते हैं, इसको तात्क्षणिक मान कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं इसको? तात्क्षणिक मान। ये कहते हैं कलीय वैल्यू, कलीय मान। इसको क्या कहते हैं? इफेक्टिव, प्रभावी मान, ठीक है ना, इसको हिंदी में कहते हैं। तो तीन प्रकार की वैल्यूज हैं। देखिए जब हम एसी सर्किट में हम इसका इस लॉ का जब हम यूज करेंगे, तो मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है आपका आर वन, ये भी रेसिस्टेंस है आपका R2। मान लीजिए यहाँ पे इंडक्टर है आपका L1, इंडक्टर है आपका क्या L1 L2, ठीक है एसी सर्किट में। फिर आपने क्या लगा दिया यहाँ पे, एक सर्किट और बना दीजिए, यहाँ पे आपने क्या यूज कर दिया, कैपेसिटर C1 और कैपेसिटर C2, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने एसी सर्किट बना दिया। तो ये अगर ऐसा ही सर्किट आप बनाएंगे, मान लीजिए इसमें करंट I1 फ्लो रहा है, यहाँ I2 फ्लो रहा है, यहाँ I फ्लो रहा है, फिर यहाँ पे I1, I2, यहाँ पे क्या है I, यहाँ पे क्या I1, I2, यहाँ पे क्या है आपका I2, यहाँ पे क्या होगा कि सब जगह जो है इन तीनों वैल्यूज के लिए एसी के लिए KCL क्या होगा, फॉलो करेगा, ठीक है। जब दोनों ये सब या जो भी ब्रांच आपने यूज किया सब क्या है सेम हो, तब हम इजीली किसी भी वैल्यू के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारे इस बात को कि दोनों आपके रेसिस्टर ही हैं, दोनों इंडक्टर हों, दोनों कैपेसिटर हों, तब हम इन तीनों में से किसी भी वैल्यू के लिए किरचॉफ्स करंट लॉ एप्लीकेबल है। लेकिन जब ये चेंज हो जाएंगे इनकी वैल्यू, जैसे यहाँ रेसिस्टर यहाँ इंडक्टर लगा दिए, यहाँ इंडक्टर यहाँ कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है, यहाँ रेसिस्टर यहाँ कैपेसिटर लगा दिए, जब इनको चेंज आप कर देंगे, तो चेंज करने पर इन दोनों मान के लिए तो वैल्यू होगा, एप्लीकेबल होगा, लेकिन आरएमएस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। विशेष ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन का, हम आगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इसी सर्किट में। यहाँ बस इतना जानिए आप कि जब हम इनको चेंज कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट अगर हो जाएंगे, तो दोनों वैल्यू के लिए किरचॉफ्स करंट ला तो फॉलो करेगा, लेकिन आरएमएस वैल्यू के लिए फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैसे लिखते हैं, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। तो जिस टाइम पे आपको वैल्यू चाहिए वो टाइम पुट करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है, यानी पर्टिकुलर टाइम पे लिया गया मान क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है। तो इस रूप में हम जब लिखेंगे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, इसको हम तात्क्षणिक मान कहेंगे। जब इन पर हम वेक्टर लगा के लिखेंगे तब ये फेजर क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, क्या होंगी, फेजर क्वांटिटीज होंगी, ठीक। आरएमएस वैल्यू जो भी हम मीजर करते हैं, आप वोल्ट मीटर से एमीटर से एसी सर्किट का जो भी मान मापते हैं, या जो भी ऑपरेटर्स पे जो भी वैल्यू लिखी रहती है एसी की, जैसे आप कोई स्विच खरीदे तो उस पर लिखते हैं ना, कोई अगर स्विच मार्केट से परचेज करते हैं तो उस पर लिखा होता है ना 220 वोल्ट 5 एम्पीयर। तो जो भी वैल्यू पुट की गई हैं एसी के लिए लिखी गई हैं, वो वैल्यू क्या होती हैं, आरएमएस वैल्यू ही होती हैं। उनको मैक्सिमम वैल्यू या एवरेज वैल्यू मत मानिएगा, वो कौन सी वैल्यू हैं, वो आपके आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब यहाँ डिफरेंट होगा तो एसी वैल्यू के लिए रूल फॉलो नहीं करेगा, बाकी जो है सबके लिए फॉलो करेगा। अगर सेम सेम है तो सारे वैल्यू के लिए किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है,
फॉलो होता है, ठीक है ना। तो अब तक तो हम इसको अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, अब हम इसके कुछ पर कुछ एग्जांपल हम आपको बताने जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ओके। नाउ यू वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सर्किट बाय यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। इन दिस सर्किट यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईएमएफ सोर्स ईएमएफ एंड पॉइंट वोल्टेज वीए बाय यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। इस सर्किट को किरचॉफ्स करंट लॉ का प्रयोग करके हमें ईएमएफ ई का मान और यहाँ पे पोटेंशियल वीए की वैल्यू क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम कैसे यूज करेंगे, पहले जो है अप्लाई करेंगे केसीएल इस जंक्शन पे, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जे हम केसीएल को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस पर आप इस पॉइंट को पी मान लीजिए, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा क्या, अप्लाइंग केसीएल एट पी, इस पर हम जो है केसीएल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लिख दीजिए इसको हिंदी में, पॉइंट पी पर केसीएल अप्लाई करने पर, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ देखिए करंट जो है यहाँ पे इस जंक्शन की ओर आ रही है, इस नोड की ओर आ रही है करंट 1 एम्पियर, ठीक है। इधर से कितनी आ रही है, 2 एम्पियर। तो दोनों चूंकि इसके पास आ रहे हैं इसलिए दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो करंट है इससे दूर जा रही है इसलिए क्या होगी, ये निगेटिव होगी, या सबका समेशन क्या होगा, 0 होगा, यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू I, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर। तो यहाँ जो I की वैल्यू है कितनी हो गई, 3 एम्पियर। तो हमें I तो निकालना नहीं है, हमें निकालना क्या है, VA निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं पोटेंशियल VA है, यहाँ पोटेंशियल क्या है, 0। क्यों, अगर इसको पॉजिटिव मान लीजिए, इसको निगेटिव मान लीजिए, तो ये वायर क्या है, निगेटिव, इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ VA है, तभी ना करंट हाई से लो की ओर फ्लो हो रही है, इसका मतलब हाई वोल्टेज ये है, लो वोल्टेज ये है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, अब कैसे निकालेंगे, VA माइनस 0 अपन R, R कितना है, 6, बराबर क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर। I बराबर इतना लिख सकते हैं ना, I बराबर V अपन R, जानते हैं V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट्स, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए, V हो गया, R है 6, 6 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, VA अपन 6 इज इक्वल टू 3, तो VA बराबर क्या मिला, 18 वोल्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया क्या, 18 वोल्ट आपको मिल गया। अब आपको E की वैल्यू क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो यहाँ करंट कितनी फ्लो हो रही है, इसके थ्रू, इसके थ्रू करंट, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे, मतलब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकल जाएगा। और रेसिस्टेंस कितना है इनके बीच, 6, तो यानी कि इनके इनके बीच का जो करंट होगा वो क्या होगा, VA अपन R, यानी कि ई माइनस VA अपान 6, क्या होगा इनके बीच का करंट, ई माइनस VA अपान 6, अरे भी अपान आर, तो भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का, क्योंकि इसको पहले हम क्यों रखें, क्योंकि करंट इसी से निकल के इधर जा रहे हैं, यानी कि हाई है ये लो है, हाई पहले लिख दिया, लो बाद में लिख दिया। रेसिस्टेंस कितना है, 6 ओम, तो 6 ओम यहाँ पुट कर दिया। अब कितना करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर, 2 यहाँ रख दिए। यहाँ पुटिंग द वैल्यू है VA फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो यहाँ VA की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 18 अपान 6, यहाँ 2 हो गया आपका, तब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो E की वैल्यू इसको निकालना, माइनस 18 उधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस 18, तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, 30 वोल्ट। इस प्रकार से आपने KCL का यूज करके बहुत इजीली इस सर्किट को आपको आपने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। बहुत इजी सर्किट था ये, JB गुप्ता का क्वेश्चन था, पूछा हुआ था कंपटीशन में, UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आप इसको देखिए, बहुत ही कम समय में KCL का यूज करके आपने कैसे इसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसी तरह से मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपको बहुत ही कम समय में सॉल्व होंगे। आप वीडियो सीरीज को कंटिन्यूसली देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। इस प्रकार KCL को मैंने आपको एग्जांपल बताकर KCL को वेरीफाई कर दिया। अब मैं KVL बताऊंगा, और KVL बताने के बाद उसकी हम जो है सर्किट बना करके उसको भी वेरीफाई करेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन लगाया जाएगा, ठीक है। तो आपको KVL जानने के लिए अपना नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वो KVL को अच्छे तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन हाँ, आप वीडियो को देखते हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि अगर हम इतना मेहनत करके आपको कुछ सिखा रहे हैं तो आप कम से कम इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि सारे बच्चे जो आपसे जुड़े हैं, सारे बच्चे इसका लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।